दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी, कप्तानी और आउट होने के नतीजे पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने दिया है बड़ा बयान। कह दिया कुछ ऐसा जैसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता और बेंगलुरु के बीच खेले गए रोमांचक मैच में बेंगलुरु की टीम की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच वसीम अकरम, इंजमाम उल हक से लेकर शोएब अख्तर, साइद अफरीदी ने एक ऐसा बयान आरसीबी की बैटिंग और विराट कोहली को लेकर दिया है, जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिर आरसीबी के शानदार प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा है, तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली रिंकू सिंह में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोलकाता और बेंगलुरु के बीच कोलकाता की घरेलू मैदान पर आज रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें बेंगलुरु की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए कोलकाता की टीम को 222 रन 6 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। इस बीच कोलकाता की टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 50 रन बनाए, वहीं यश दयाल ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई बेंगलुरु की टीम की तरफ से बिल जैक ने सर्वाधिक 55 और रजत पाटीदार ने 52 रन का योगदान दिया। ऐसे में बेंगलुरु की टीम की तरफ से विराट कोहली 18 रन के स्कोर पर आउट हो गए और उनका नो बॉल पर आउट देने के बाद काफी ज्यादा बवाल मच गया, जिसके बाद विराट कोहली भी काफी ज्यादा नाखुश दिखाई दिए, जिसको देखकर अब पाकिस्तान के दिग्गजों का बयान सामने आया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में आरसीबी की टीम की शानदार बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। जिस प्रकार से इस मैच के अंदर आरसीबी की टीम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी कोलकाता की टीम के गेंदबाजों के खिलाफ करके दिखाई है, वह बताता है कि बेंगलुरु की टीम के पास किस तरीके के खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, इस मैच के अंदर विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी करके दिखाई है, लेकिन जिस प्रकार से उनको आउट दिया गया वह बिल्कुल गलत है। ऐसे में विराट कोहली के कोलकाता के खिलाफ आउट होने के बाद मैदान पर काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला है, क्योंकि उनके आउट होने के बाद काफी ज्यादा गलत था। वहीं इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच के अंदर बेंगलुरु की टीम की तरफ से विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है, साथ में विराट कोहली की शानदार कप्तानी भी देखने को मिली। और इतना ही नहीं, विराट कोहली के अलावा बेंगलुरु की टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने आज के दिन शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई है और बताया है कि इस टीम के पास काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली को इस मैच के अंदर काफी गलत तरीके से आउट दिया गया है, और अगर विराट कोहली को गलत तरीके से आउट नहीं दिया जाता तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होती, लेकिन उनको गलत तरीके से आउट देने के बाद मैं काफी ज्यादा निराश हो चुका हूं। वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि बेंगलुरु की टीम की तरफ से बेंगलुरु की टीम के बल्लेबाज काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। इस मैच के अंदर विराट कोहली ने शानदार कप्तानी करके दिखाई है, साथ में विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी भी करके दिखाई है, लेकिन जिस प्रकार से बेंगलुरु की टीम की तरफ से इस मैच के अंदर सभी बल्लेबाजों ने दिक्कत का सामना किया, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं। हालांकि इस मैच में विराट कोहली का गलत तरीके से आउट होना मैच में काफी बड़ा बवाल पैदा कर गया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं तो बेंगलुरु के लिए फायदेमंद साबित होता, लेकिन उनके आउट होना काफी गलत था। वहीं अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि बेंगलुरु की टीम की तरफ से इस मैच के अंदर विराट कोहली ने काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और इस मैच में विराट कोहली ने न सिर्फ बेहतरीन बल्लेबाजी की बल्कि बेहतरीन कप्तानी भी करके दिखाई है। हालांकि बेंगलुरु की टीम की तरफ से विराट कोहली के अलावा काफी बल्लेबाज भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाए हैं, और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, विराट कोहली का इस मैच के अंदर आउट होना काफी ज्यादा विवाद पैदा कर गया। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली के साथ ही ज्यादातर विवादित फैसले होते हैं। ऐसे में विराट कोहली के द्वारा जो प्रदर्शन देखने को मिला वह वास्तव में काफी ज्यादा शानदार रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में विराट कोहली के आउट होने के कारण तरीके को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।